बड़कोट से एक और अहम खबर आपको बता दें, भाजपा ने मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। यमुना घाटी के 3 मंडलों के अध्यक्ष घोषित हो गए हैं। मुकेश टमटा को बड़कोट मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। नौगांव से नीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, बड़कोट से अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर भाजपा ने मंडल अध्यक्षों को घोषित कर दिया है। मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। यमुना घाटी के 3 मंडलों के अध्यक्ष घोषित हुए हैं। मुकेश टमटा को बड़कोट मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नौगांव से नीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो यमुना घाटी के 3 मंडलों के अध्यक्ष भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। बड़कोट से मुकेश टमटा को अध्यक्ष बनाया गया है, तो नौगांव से मीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, तो पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। मुकेश टमटा को बड़कोट मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। नौगांव से नीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, बड़कोट से अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर भाजपा ने मंडल अध्यक्षों को घोषित कर दिया है। मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। यमुना घाटी के 3 मंडलों के अध्यक्ष घोषित हुए हैं। मुकेश टमटा को बड़कोट मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नौगांव से मीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो यमुना घाटी के 3 मंडलों के अध्यक्ष भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। बड़कोट से मुकेश टमटा को अध्यक्ष बनाया गया है, तो नौगांव से मीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, तो पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। मुकेश टमटा को बड़कोट मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। नौगांव से नीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, बड़कोट से अहम खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर भाजपा ने मंडल अध्यक्षों को घोषित कर दिया है। मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। यमुना घाटी के 3 मंडलों के अध्यक्ष घोषित हुए हैं। मुकेश टमटा को बड़कोट मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि नौगांव से नीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। तो यमुना घाटी के 3 मंडलों के अध्यक्ष भाजपा ने घोषित कर दिए हैं। बड़कोट से मुकेश टमटा को अध्यक्ष बनाया गया है, तो नौगांव से मीरा रावत को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, तो पुरौला से राजेंद्र शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।